वेलकम बैक इन माय चैनल। कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राजस्थानी ब्लॉग नरेंद्र राउत में। तो अभी हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, तो आज का ब्लॉग वहीं पर शूट करेंगे। तो नवीन, नितिन और निकिता, हम तीनों चारों जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरे से बताता हूँ यहीं से कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, आपको हम यहाँ पर जा रहे हैं, ये जो पहाड़ी दिख रही है इसके पीछे, ठीक है। तो ये नारेली तीर्थ, हम यहाँ जा रहे हैं। मैं यहाँ देख सकता हूँ इस जगह, अच्छा नहीं दिख रहा मगर ये देखिए इस जगह। तो चलिए अभी चलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं, ये जो है नारेली पहाड़ी है। और यहाँ पर देखिए गौशाला बनी हुई है, बहुत सारे जो आवारा गायें हैं या जो छोड़ देते हैं लोग, उन सब गायों को इकट्ठी करके यहाँ पर इस गौशाला में डाल रखा है। और बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ यहाँ पर हैं, ये देखिए कितने सारे पशु हैं। और इसमें अधिकतर तो गायों के जो बछड़े हैं वो हैं, और ये देखिए बहुत सारी गायें भी हैं और उधर चारा रख रखा बहुत सारा। तो ये गौशाला है, यहाँ पर रास्ते में ही थी। और अभी हम जा रहे हैं पहाड़ी के बीच में से एक जो रास्ता है वहाँ से। तो ये देखिए अभी मैंने स्पीड थोड़ी सी यहाँ से फास्ट कर दी है। तो यहाँ पर ये देखिए ये रास्ता जो है पहाड़ियों के बीच में से काट के यहाँ पर जो पत्थर वगैरह ले जाते हैं घर बनाने के लिए, तो वहाँ से रास्ता बना रखा है ये देखिए। तो यहाँ से ये नारेली की पहाड़ी है, यहाँ से अभी हम जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर डर लगा था क्योंकि बहुत सीधी चढ़ाई है यहाँ पर, ये देखिए। और इस प्रकार से हम लोग ऊपर तक पहुँच चुके हैं और अभी मैं थोड़ी देर आपसे बात करूँगा यहाँ पर दोस्तों। तो देखिए अभी बहुत ही भयंकर वाली घाटी थी यहाँ से, और यहाँ से क्या हमारे गांव का शॉर्टकट है, ठीक है ना, मतलब नारेली जाने के लिए। तो अभी हम यहाँ से आए हैं और बहुत ही डर लगा, घाटी बहुत ही ऐसी है, मतलब चढ़ाई बहुत एकदम बिल्कुल सीधी है इस कारण। तो चलिए अभी मिलाते हैं आपको किसी से। और यहाँ पर दोस्तों अभी हम पहुँचने वाले हैं नारेली मंदिर के पास। और आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपको जो नारेली मंदिर का जो गार्डन है उसका टूर कराऊंगा। और अगले वीडियो में ये जो वीडियो दो तीन पार्ट्स में आएगा, तो ये देखिए ये है मेन द्वार है, और यहाँ से अभी हम चलेंगे सीधे जो गार्डन है, पहले उसका टूर कराएंगे, उसके बाद हम दो या तीन व्लॉग में आएगा ये। तो ये देखिए मेन गेट है, और अभी हम जो गार्डन है उसका टूर करवाएंगे आपको। ये सेकेंड गेट है, यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह सब अच्छे से है, और यहाँ पर एक गार्ड बैठा रहता है। और यहाँ पर देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ की जो कलात्मक वो है बनी हुई, और यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए पेड़ पौधे भी इतने अच्छे अच्छे लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे। और जो व्यू यहाँ का था बहुत ही सुंदर आता है। और यहाँ पर पूरे राजस्थान से लोग घूमने आते हैं, और अजमेर से ये 10-12 किलोमीटर दूर है। और नारेली गाँव है वहाँ पर स्थित है, नारेली तीर्थ यानी जैन मंदिर है यहाँ पर ऊपर जो दिख रहा वहाँ पर। और अभी देखिए जो गार्डन है कितना सुंदर है। और अभी मैं मिलाने वाला हूँ आपको रॉयल भाई से, तो रॉयल भाई हम दोनों गए थे। और यहाँ पर ये देखिए जो फूल थे, विभिन्न प्रकार के जो फूल थे, ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। और देखिए ये वाइट है और ऊपर पर्पल कलर के थे। और यहाँ पर जो बहुत ही सुंदर कलात्मक जो चीज़ें बनी हुई थी यहाँ पर, और रॉयल भाई देखिए अपना व्लॉग बना रहे हैं उधर, और मैं अपना व्लॉग यहाँ पर तैयार कर रहा था। यहाँ पर ये जो फूल मैं आप सबको दिखा रहा था, यहाँ पर इतने बहुत ही प्यारे प्यारे फूल थे, ये देखिए विभिन्न प्रकार के यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ के जो पत्थर है वो भी इतने सुंदर हैं, और जो पूरा मंदिर है, पूरा मंदिर परिसर इन्हीं प्रकार के पत्थरों से बना हुआ है। और ये देखिए फूल हैं, ये देखिए आप, और ये देखिए यहाँ पर ये जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर। मुझे सबसे बढ़िया ये जो फूल थे ना छोटे छोटे हैं वो बहुत अच्छे लगे। और ये देखिए ये देखिए कौन पता नहीं कौन सा पौधा, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये पौधा किस चीज़ का है। तो यहाँ पर ये देखिए रॉयल भाई भी है, वीडियो बना रहे थे, और हम दोनों यहाँ पर आए थे आज ब्लॉग बनाने के लिए यहाँ पर। और ये देखिए कितनी अच्छी जो गार्डनिंग बहुत ही सुंदर सी कर रखी है यहाँ पर। और ये देखिए अभी चल रहे हैं जो बड़ा वाला मंदिर उसके पास, पर आज मैं जो व्लॉग है उसमें आपको यहाँ का टूर कराऊंगा। नितिन और निकिता दोनों भाई बहन ये आगे चल रहे हैं, और नितिन नवीना पीछे रह गया अभी। और ये देखिए यहाँ की जो, यहाँ पर मैंने नवीन को दे दिया था जो है कैमरा मोबाइल हमारा। और यहाँ पर ये देखिए जो गार्डनिंग कितनी अच्छी कर रखी है यहाँ पर, जो पेड़ पौधे हैं इतने सुंदर सुंदर। और यहाँ पर ये देखिए क्या बना रखा है यहाँ पर,
बहुत ही सुंदर सा जगह जगह मतलब पत्थरों की जहाँ पर ये जो बन रहे हैं वो भी मैं आपको शेयर करूँगा एक दो दिन के जो व्लॉग आएंगे उसमें कि किस किस जगह बनाए जाते हैं ये पत्थर। इसके पास ही जो फैक्ट्री उसमें बन रहे हैं अभी, और यहाँ पर मैं और बच्चे आगे चले गए तो नवीन बना रहा है यहाँ पर वीडियो, ये देखिए। और इतना सुंदर सा व्यू है यहाँ का, और ये जैन मुनि महाराज का मंदिर है यहाँ पर। तो श्रावक की 11 प्रतिमाएं हैं, और यहाँ पर मतलब 11 जो है मूर्तियों मंदिर बने हुए हैं जो छोटे से ऐसे ही, तो उसमें विभिन्न प्रकार के वो लिखे हुए हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा मैंने आपके साथ शेयर किया यहाँ पर, ये देखिए। और अभी कोरोना के बाद वापस खुल चुका है ये, और ये देखिए सबसे बीच में ये है, और यहाँ पर बैठ के हमने थोड़ी देर गपशप भी मारी थी क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी तो। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग, और आज संडे था तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे जो है घूमने आते हैं यहाँ पर। और बहुत सारे अजमेर के तो आते ही हैं, उसके अलावा भी बाहर के जो है पूरे राजस्थान ज़िले के लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ का जो व्यू है बहुत ही सुंदर है इसलिए। और यहाँ पर ये देखिए, ये है रोयल भाई, और इनका भी चैनल है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इनके भी। और ये देखिए अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर बैठ गए थे, और ये अपना ब्लॉग उधर शूट कर रहे हैं, ये देखिए। और चलिए अब आगे चलते हैं। और यहाँ पर देखिए आसमान में हम बैठे ही थे कि वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर जो हवाई जहाज आ गया था, तो मैंने उसका भी थोड़ा सा शूट कर लिया था, ये देखिए। फिर आते नीचे यहाँ पर, और ये देखिए इधर तैयारी कर रहे हैं वापस शूट की। वो थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये देखिए बीच में जो मंदिर है उसके जस्ट सामने देखिए सुंदर सी एक जो है चार मुखी प्रतिमाएं बने रखी हैं, ये देखिए आप यहाँ पर। और यहाँ पर भी ये देखिए, यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। हाँ आ रहा हूँ यहाँ पर, जूते चप्पल खोल रहे हैं, हम बच्चे गए ऊपर दोनों। चलते हैं दूसरे ब्लॉग की तरफ, ठीक है। इस ब्लॉग का ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।